गांधीग्राम बुढ़ागर और धमकी गांव में अवैध रूप से कच्ची शराब बेचे जाने की सूचना पर आबकारी के अमले ने दोनों स्थानों पर दबिश देकर 27 लीटर कच्ची शराब और 210 किलो लाहन जब्त किया है। साथ ही एक महिला समेत दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आचार संहिता लगने के बाद आबकारी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांधीग्राम बुढ़ागर के एक घर में दबिश दी और वहां से 27 लीटर कच्ची शराब और हाथ भट्टी बरामद की और प्रीति कोल, अखिलेश कोल एवं धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्हें ग्राम धमकी से कच्ची शराब उपलब्ध होती है, लिहाजा से होरा आबकारी प्रभारी श्वेता सिंह ने टीम के साथ धमकी गाँव में दबिश देकर 210 किलो लाहन बरामद कर उसे नष्ट कराया। ग्राम गांधी ग्राम से बुढ़ागर से कुछ महिलाओं की शिकायत प्राप्त हुई थी कि गांव में कुछ लोग अवैध मदिरा का विक्रय कर रहे हैं। उसी के परिपालन में मैं स्टाफ, मेरी पूरी टीम जो है वो सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच ग्राम गांधी ग्राम पहुंची। वहां हमने पूरे गांव की तलाशी ली, जिनमें तीन मुख्य आरोपी हमें मिले, जिसमें से एक प्रीति कोल है, अखिलेश कोल है और एक धर्मेंद्र है। तीनों के कब्जे से लगभग 27 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद हुई। आगे विवेचना में ये पता चला कि इनको ये कच्ची शराब जो है वो ग्राम धमकी से प्राप्त होती है, इसलिए हमने अपनी टीम का गठन करके फिर हम धमकी के लिए रवाना हुए। धमकी से भी हमें एक घर से 210 किलो लाहन बरामद हुई। उक्त कार्यवाही करने के पश्चात हम आरोपियों को लेके कंट्रोल रूम आए हैं, जहाँ से उन्हें उचित जमानत मुचलके पे जमानत दी जाएगी और न्यायालय में प्रस्तुत होने का दिनांक बताया जाएगा। जब्त शराब और हाथ भट्टी की कीमत 25,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी अमले ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।